भाई फालतू में तेल फूक के 10-11 किलोमीटर आए हम यहाँ पे चर्च देख रहे हैं। पहले हम आ चुके हैं भाई पारस के पास, आपको मिलवाता हूँ भाई। क्या हाल है भाई? हेलो, पॉडकास्ट करने आए हैं, उसका फोन ले लिया भाई। इस तरफ हमारा गोल्डन टेम्पल भाई, बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो मस्त लग रही होगी आपको ये वाली सीरीज। तो ये वाला व्लॉग सीरीज का थर्ड व्लॉग आई थिंक सो। तो आज हम जा रहे हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे कसौली में चर्च है शायद से, तो उधर जाना है हमें। और फिर उसके बाद हम जाने वाले निकलने वाले अमृतसर के लिए। और भाई पेट ऐसा खराब मेरे को लग रहा है, हो गया शायद से हम सबका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और फिलहाल चलते हैं भाई, यहाँ की सर्विस ठीक थी था, मतलब जो सिस्टम था, तो फिलहाल इनसे मिलवाता हूँ भाई। यहाँ पे हम बैठ चुके हैं भाई और सब लोग बैठ चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई किस तरफ पड़ेगा चर्च पता है कोई? भाई अभी सर्च मारेंगे। अच्छा सर्च मार के ही जाएंगे? धर्मपुर के वहां से पड़ता है। अच्छा तो सो लेते हैं एक बार, इसको लगा दीजिए। चलो भाई, ये अभी हंसा ही चले क्योंकि ना भाई लिफ्ट मांगी थी किसी ने, धर्मपुर अपना मना कर दिया भाई। यार जगह ही नहीं है गाड़ी में, बरम जगह तो है भाई, पर ऐसे किसी अननोन को थोड़ना यार। यार वो भी सही बात है, कौन पता नहीं कैसा हो अननोन को। निकेत के दो रैप्टे मारे हैं भाई, डर लगता है यार। बाकी सब तो ठीक है, गाड़ी नई गाड़ी है भाई, डर लगता है। मतलब ऐसे किसी को ले जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो दिख दिया सही सही रहा था, बिल्कुल खतरनाक आदमी। ओए फोन जी, चलो भाई। तो अभी पता क्या हुआ सिस्टम, कुछ ऐसा हुआ जब आप कल आए थे ना, कल पिछले व्लॉग में देखा होगा तुमने, कल कहाँ पे आए थे हम, किधर आए थे, सनसेट पॉइंट पे। तो वही पार्किंग है सेम, हम पागलों की तरह छोड़ के चले गए। यहाँ पे देखो बंदर दादा आ रहे हैं, चर्च किस तरह, कह रहे 200 मीटर यहाँ पे आस पास से दूर है, तो पता नहीं भाई चर्च दिखाऊं तुम्हें। ये देखो ये रहा, यहाँ पे हम हंसते रहे थे क्योंकि हम कल इसी जगह पे आए थे और कल हमें अंधों की तरह दिखाई नहीं, कसम से वहीं था कोने पे ही, कोने पे गेट से निकलते ही पार्किंग के वहीं था ये। भाई मजा आ गया भाई, कसम से देख रहे हो भाई, 200 मीटर दूर है ये तो। अरे वो नीचे से था ना, भाई कसम से भाई क्या मजा आया भाई कसम से। ये देखो ये रहा चर्च, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है अभी तुम ऊपर चल के दिखाता हूँ, मजा आ रहा है भाई देख के चर्च। भाई सनसेट पॉइंट यहाँ था आगे था भाई, तो सनसेट पॉइंट वही पार्किंग तो वही है ये। बहुत मजा मजा आ रहा है बिल्कुल एकदम कसौली भाई, देखते हैं कि कैसा रहेगा चर्च, घुमाता हूँ आपको भी। क्या मतलब मेरे को कसम से पता नहीं कि क्या सीन है, देखते हैं। अरे भाई बंदे भाई चर्च है भाई, मेरे को तो लग रहा है, बताओ भाई क्या करें यहाँ पे भाई, तो बहुत बुरा कटा हमारा, अमृतसर चले जाते इससे बड़े 10 कितने किलोमीटर आए हैं हम आगे, कितने किलोमीटर आए हैं बता तो। 10-11 फालतू में तेल फूक के 10-11 किलोमीटर आए हम यहाँ पे चर्च देख रहे हैं। ये चर्च देख लो भाई बाहर से, लो देखो देखो, कूद कूद जाए नहीं कूद कूद दिन। कितने घंटे का रास्ता है अमृतसर का? 5 घंटे दिखा रहा है, 1 घंटा और तुम 6 घंटे हो गए ना भाई, देखते हैं क्या सीन रहेगा। मैं भाई मैं एक्साइटेड था, मैं चर्च वर्च देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला भाई। सीन पता है क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ सीन, कुछ ऐसा हुआ कि हम चर्च पे आए थे और चर्च पे कितने बजे आए हैं भाई हम आए 12 बजे, तो 12 बजे के आसपास आए हैं और यहाँ क्या कितने बजे 1 बजे खुलता है, तो 1 बजे भाई यहाँ पे चर्च खुलता है। क्या ही करें भाई, बहुत बुरा कटा कसम से, चर्च के बाहर ताला लगा हुआ है और हमें पता होता अगर 1 बजे खुलता है भाई, मेरा कोई यहाँ पे कसम से। हम सोच रहे थे देखते हैं भाई अच्छा लगेगा घूमने में, बट सैड सैड हो गया, कोई नहीं अब हम सोच रहे हैं गाइस चलें। इसकी जलगी भाई, चल कहाँ चला गया ये, रोके क्यों गया ये पता नहीं भाई क्या होगा। चलो मनाते हैं भाई, यहाँ पे हमारी गाड़ी निकल रही है, मेरे को भी बैठ ही जाना चाहिए शायद से, इनको गाड़ी निकालने देता हूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे से अड़ी अड़ रही है ये, कोई भाई निकालने देते हैं। वहाँ पे देखो तुम गाड़ी कैसी लग रही है, बैठ जाऊँ? ओए आराम से भाई, देख रहे हो किस कितने से पट में से निकाल रहा है, निकाल ले। चलो भाई जल्दी बैठते हैं यार, और व्लॉग तो बन गया भाई, क्या कर रहे हैं अमृतसर का गाइस, देखना भाई पैर पे ही चढ़ाएगा ये मेरे बिल्कुल। चलो भाई बैठ जाते हैं, सैडनेस हो गई गाइस, बैठ जाते हैं भाई। विशाल कह रहा था रुक जाते हैं थोड़ी देर हम वहाँ पे से, हमें 4 वो छोड़ो छोड़ो गाइस भाई, भीड़ देखो तुम यार, भीड़ देखो ब्रो, बस तुम भीड़ देखो भाई, मतलब छोटी सी रोड है उस पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है ना भाई, गलत है ना भाई। क्या हुआ, एक बंदा आ रहा है यहाँ से, ये वाली इस तरफ की लेन है ठीक है, तो क्या हुआ भाई मेरे को, मैं अंदर बैठा हूँ, मैंने ये वाला गाड़ी का गेट खोल दिया, मेरे को दिखा नहीं भाई कहीं कोई आ रहा है सामने से, थोड़ा रॉन्ग साइड से ला रहा है यहाँ से गाड़ी, यहाँ से कह रहा ये क्या गेट क्यों खोल रहा भाई, मुझे सपने आ रहे हैं तो वहां से आएगा इस वाली लेन से भाई, अजीब बंदा
कमाल कर दिया। बाकी हम रुके हुए भाई, हमारा थोड़ा जैसे बताया था हमें कुछ खराब वराब हो रहा, तो हम दवाई ववाई लेने के लिए रुके हुए हैं, लेते हैं माधव के पास भी, देखते हैं क्या ले रहा है। कुछ उससे लेने को बोले यार, इन्हें ले लेता हूँ यहाँ से, ये कह रहे हैं ये वाला पार्ट ले भाई, पार्ट लेते हैं, चलो ये दो पार्ट लेता हूँ। हम ORS का घोल ले लिया भाई हम दोनों ने, और ये दवाई ले ली एक एक, तो ये ठीक हो जाएंगे और इनके लिए चिप्स वेप्स। शराब दे रहा था ना, दस्त लगे। हाँ शराब दे रहा था भाई, अब लग गए भाई, बताओ क्या ही करे। मेरे को नहीं लगे, तेरे को लगे भाई? खाना इन दोनों को भी लगे हुए थे सुबह, आधा घंटा लगा। भाई बहुत देर में हमने ब्रेक लिया है, कसम से भाई बहुत देर में ब्रेक लिया है, और अभी यहाँ पे हम छोले कुलचे खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले भैया को लेमन बोल देता हूँ, देखते हैं बस क्या सीन रहेगा, क्या हो गया भाई, चलो इसको बोलते हैं एक बार। एक मिनट रुक जाता है, देख ले। हाँ नहीं तो बल्ले बल्ले पढ़ दिया ये बाबा, रोटी खाएगा बहुत जरूरत है, सही बात, सारे गलत है पर 90% गलत। टाइम पास, हमारा खाना आ चुका था, हमने एक तो प्लेट खा ली, अब हम ले रहे एक और प्लेट, मतलब एक आधा आधा भटूरा जो भी है, कुलचा है ये, कुलचा और ले लेंगे, मतलब ऐसा ही सीन है, क्योंकि हमें ज़्यादा भूख लग नहीं रही और भाई इतनी लग रही है कि काम चल जाएगा। ठीक है भाई, सीन कुछ ऐसा था कि अभी मैं दूसरे फ़ोन से ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, मेरे में यार दिक्कत ही होगी कि स्टोरेज ख़त्म हो गई बस, है ना, क्या बस यार यही दिक्कत हो गई, मैं बुरा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, तो आगे बैठ जाता हूँ मैं, कोई नहीं ब्लॉग बना लो ना भाई। मैं अभी हम गाइस जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, और आपको ना मतलब जो मेरा वो है क्या होता है वो जो होटल है वो ना आकर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, फिलहाल के लिए भाई चलते हैं भाई गोल्डन टेम्पल। भाई वहाँ पे वो बंदे कैसे हैं भाई, पता नहीं किस चीज़ पे चढ़े हुए हैं वो। अच्छा बस के ऊपर चढ़े हुए हैं वो है भाई, बस पहुंच ही गए हम शायद से गोल्डन टेम्पल, यहीं कहीं यही है। अच्छा अब यहाँ पैदल चलना पड़ेगा, और अब भाई 1 किलोमीटर भी नहीं है भाई, आधा 600 मीटर। चलो गाइस देखते हैं कैसा रहेगा। भाई पहुंच चुके हैं यार पार्किंग में, बहुत मुश्किल से मिली यार, कसम से यार बहुत ज्यादा मुश्किल से पार्किंग मिली, तो दरवाजा वाजा बंद कर देते हैं और देखते हैं भाई ऊपर जाने का रास्ता किधर से, क्या करें यार भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रही लोगों ने लगा कैसे रखी है यहाँ पे गाड़ियाँ, हैं 10-10 गाड़ी की जगह छोड़ रखी है एक एक गाड़ी में। तो ये देखो यहाँ पे, देखो जैसे इस यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हो सकती थी, ये थोड़ा सा इस तरफ खड़ा करा होता, तो बताओ कैसे लोग हैं भाई, गलत गाड़ी खड़ी कर रखी है, पता नहीं, चलो कोई बाकी चलते हैं यहाँ पे से, शायद से 600 मीटर है गोल्डन टेम्पल, लेट्स। भाई यहाँ पे ऐसा सीन होता है, मतलब यहाँ पे कितने ही दूर है, 400 मीटर पास में है बस, यहाँ पे आने ही वाला है भाई पूरा सीन। क्या कुलवंत मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कुछ शायद से है यहाँ के चाय और वो बहुत बढ़िया। अरे हाँ मैंने एक व्लॉग में ही देखा था, मैंने पता नहीं मेरे को याद सा नहीं आ रहा, पर किसी चीज में तो देखा था यार मैंने। कौन से, क्या नाम है, दुकान है उसकी, चार टेबल लगा रहे जिसमें बाहर फिर अंदर जाकर। चलो देखते हैं यार हमें क्या क्या देखने को मिले, कुछ खा के चलेंगे यहाँ से। हाँ यहाँ से मोमोज भी हैं पीछे। चलो भाई देखते हैं कहाँ जा रहे हो, दूध भी नहीं, दूध भी नहीं पिलाऊंगा, पिला दे यार, पिला रहा क्या। चलो भाई यहाँ पे हम दूध पियेंगे दूध, और भाई यहाँ से गोल्डन टेम्पल दिखना, जब गोल्डन यहीं से यही चालू है ना, यहीं से ही है ना चालू, यहीं से जहाँ तक हमें लग रहा है, फर्स्ट टाइम है गाइस, बुरा मत मानना यार कोई भी, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कहाँ से क्या है भाई, अब कुत्ता देख रहा मुझे। चलो दूध पीते हैं। गोल्डन टेम्पल के अंदर, मतलब गोल्डन टेम्पल उस तरफ है, वहाँ पे भी मतलब हम जाएंगे अभी, यहाँ पे मतलब बाहर वाली साइड है हम, तो बस भाई इनको क्या है ये, क्या है भाई, पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तू कितनी बार आ चुका, 4-5 बार। क्या बात कर रहा है, सही है, तू क्या कर रहा है, तू बोर क्यों हो रहा है भाई, नहीं कुछ मजे ले रहा है, चिल हो रहा है भाई। इस तरफ हमारा गोल्डन टेम्पल भाई, बिल्कुल सोने का है भाई, हैं सोने का भाई पूरा भाई। और इसके ना एक और वो है, यहाँ का सोना कोई मतलब चुरा नहीं सकता, वो तो किसी ने कोशिश भी की थी ना, खर्च नहीं पाया था। अच्छा और भी ऐसा कुछ हुआ था, बहुत कुछ स्टोरी है इसके, मैं मस्त है यार, पता नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं, सही बात है, मतलब गलत चीज नहीं बतानी लोगों को, मतलब वहाँ पे है भाई इसकी वो है कि यहाँ पे किसी ने भी कुछ किया है ना गलत, वो तो भाई भाई कुछ ना कुछ। अब हम जाएंगे यार अंदर चलते हैं इसके, है ना सीधा, एक्साइटमेंट तो है भाई। यहाँ पे हमारा गोल्डन टेम्पल, और यहाँ पे मतलब मेरे को अभी पता चला कि इसमें मछलियाँ भी है, जो कि भाई काफ़ी सही लग रही है, और यहाँ पे देखो फोटोज खींची जा रही है यहाँ पे, और मतलब सही है यार, अच्छा लग रहा है, मतलब
पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं अब, क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे तो हमने यार कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं लेके गए थे, और मतलब अच्छा लग रहा था उधर जाके, सिंपल सी ये बात है। और बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग सा सीन बताता हूँ। देखो ये जैसे फोटो खिंचवा रहा है ना, जो ये बंदा फोटो खिंचवा रहा है, ये पता है वहाँ तक बिल्कुल उधर गेट तक पहुँच गया ये और ये, बट इनको यार बेचारों को अंदर ही नहीं जाने दिया। कम से कम भी हम एक घंटे की लाइन में खड़े थे, है माधव, एक घंटे की लाइन में खड़े थे ऊपर। हम दोनों का हो गया दर्शन, बट इन दोनों का नहीं हो पाया भाई, बहुत बुरा लगा। अब ये कह रहे हैं सुबह आएंगे, आओगे सुबह भाई मेरी वीडियो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बाकी मेरी देखो, मैं फोटोज डालूंगा इंस्टाग्राम पे, जरूर देखना। यस भाई, अभी का पता क्या सीन है, तुम्हारे पैर ठंडे हो गए भाई, मेरे खुद दर्द कर रहे, चला ही नहीं जा रहा भाई, चला नहीं जा रहा गाइस, क्या करें। निकेत तो मस्त चला गया आगे। भाई ये देखो विशाल ने पहने हुए, जैसे क्या पहना हुआ है सर आपने, हैं भाई, मैं कसम से विशाल से मांग रहा था भाई दे दे मुझे पहनने के लिए, बट अब मेरे को सही लग रहा है, मैं कहा नहीं यार नहीं चाहिए, हैं भाई के भाई देख हर मूड में दिख रही है मुझे ये चीज, मुझे 300 300 300 300 भाई कसम से हर मूड में दिख रही भाई मुझे, हर मूड में सिंपल दिखाओ ना। आइए देखो भाई गलत है ये तो भाई, कसम से क्रॉक्स पे गया भाई 1400 रुपए की चप्पल लेने, भाई कैसा साथ भी है भाई, देखियो कैसी सी लग रही है, देखा देखिए शो मी योर स्लीपर्स, वाओ मेरी काम वाली यही अच्छी बात है भाई, काम मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ गाइस गाइस, सिंपलिसिटी आएगा ये, सिंपलिसिटी भाई, सिंपलिसिटी मेरा खर्चा कौन उठेगा, इतनी सिंपलिसिटी है ना, यही चप्पल तो 200 रुपए वाली पहन के दिखा, पहन लूंगा देख रहा भाई। भाई यहाँ पे देख सकते हो अभी ये भीड़ थी, मतलब गोल्डन टेम्पल के जो गोल्डन टेम्पल अंदर है तो ये बाहर ये भीड़ लगी हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे वो देखो ये कितनी बड़ी लाइन है ब्रो, क्या सीन है भाई, ये गलत भाई। हो चुका हमारा गोल्डन टेम्पल का दर्शन, एक्चुअली इन दोनों का जो रह गया था कैसा रहा भाई? भाई बहुत जबरदस्त, मजा आ गया भाई। कितनी देर खड़े रहे तुम? हम 12 बजे गए थे और हमें बाहर निकलते निकलते 2:30 बज गए भाई, मतलब लाइन थी, मतलब भाई कल क्या हुआ, कल रात को हम आए ठीक है, 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लाइन में लगे रहे तो ये दोनों तो भाग गए आगे ठीक है, मैं और निकेत हम दोनों रह गए पीछे भाई, 2 घंटे लाइन में लगे रहे, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी क्या हुआ, अंदर जा नहीं पाए, इतने में वो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, दर्शन नहीं कर पाए, दर्शन नहीं कर पाए, फिर हम वहां से बिल्कुल अंदर से वापिस आए भाई, फिर हमने कहा सुबह देखेंगे, रात को फिर सोते सोते वैसे देर होगी, हमने सोचा था सुबह 4 बजे आएंगे, 4 बजे तो हम सोए नहीं थे, 4 बजे तो हम गेड़ी मार रहे थे गाड़ी, 4 बजे तो हम आइसक्रीम ढूंढ रहे थे अपने लिए उसके बाद में क्या बढ़िया रहा यार, बढ़िया था, अच्छा है, मजा आया। सुबह उठ के आए, हमने सोचा कि ना 1 बजे तक फ्री होके वापस चले जाएंगे, और टाइम देखो 3:10 हो गए भाई, भाई तक हम, और अब तक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, सबसे बड़ी बात देखो भाई, कसम से हमने सोचा था कि पारस के पास हम पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, बट अभी क्या टाइम हो गया, 3:10 हो गए, और अभी अमृतसर से नहीं, और अभी भी हमें कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 4 बज जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते, क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ से लुधियाना भाई 2.5 घंटे, 6:30 बजे हम लुधियाना पहुंचेंगे, लुधियाना से हम 8 बजे निकलेंगे भाई, मतलब 6:30 के आसपास, तो मतलब आज 7 बजे के आसपास हम पारस के पास पहुंचेंगे, 8-9 बजे तो भाई ये तो बहुत लेट हो जाएगा यार भाई, 2-3 बजे पहुंचेंगे हम जाके भाई, अपना तो गलत सीन लग रहा है मेरे को, और बस पॉडकास्ट हो जाए हमारा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ये 3rd एपिसोड है जैसे, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा भाई। यहाँ पे गाइस फाइनली हम आ चुके हैं भाई पारस के पास, आपको मिलवाता हूँ भाई, क्या हाल है भाई? हेलो, कैसे हो भाई? और हम भाई फाइनली पहुंच चुके, इधर पिटबुल है भाई, बंद होगा भाई, इसको बंद कर, और नहीं बंद है वो, हाँ भाई मैं नहीं आ रहा भाई, मैं नीचे खड़ा हो रहा हूँ ठीक है, पहले देख ले, चेक कर लियो भाई, बहुत नए बंदों से तो रहते ही है, ये फ्लोर मेरा हो गया, ऊपर वाला खेलने घूमने के लिए, चलो भाई ऊपर देखते हैं, ऊपर बस ग्रिल रह गई है, गेम बैन नहीं हुई होती तो ग्रिल भी लगी जाती भाई क्या बोले भाई, ये सब हर एक बंदे की स्टोरी है, यहाँ से दूर दूर तक ये देखिए, ये गुरुद्वारा तुम्हें फ्लाई ओवर से दिखा होगा, हाँ से मुड़ना था तुम सीधा चले गए, तुम गए ओवले मंदिर पे, फुल एड्रेस बता रहे भाई वीडियो के अंदर, यहाँ से पूरा दिखेगा दूर तक, पूरा लुधियाना दिखता है इधर, अच्छा भाई अब तो मतलब ऐसा सीन हो रहा है, मतलब कि यार पिछली बार आए थे ना, पिछले वाला ब्लॉग देखना तुम, हाँ। भाई कुछ था ही नहीं बना हुआ, पहले तो खंडर था, उस टाइम प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, भाई मैं तो देख के हैरान हो गया कसम से, हम 1 साल पहले आए थे शायद से, 10 महीने पहले आए थे हम शायद, 10 महीने हुए,
कोई नहीं यार, अभी आपको ना सेटअप वगैरह भी दिखाता हूँ कैसा कैसा करा है, और पॉडकास्ट का भी दिखाता हूँ कैसे कैसे सेटअप होगा। भाई यहाँ पे देखो, मतलब ये पता है क्या, पारस का नया बिजनेस है ये। हाँ, ये रूम हो गया, ये किचन हो गया, हाँ, और ये बाथरूम। अच्छा, मेरा भी निकाल ना, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। पारस भाई, हाँ यार, सूखा सूखा मिल रहा है, गीले गीले सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा हाँ, ऊपर देख लो, खुला खुला मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बना है भाई, सही है यार, भाई कसम से बहुत सही है, मतलब अब तो चिंता खत्म हो रही है धीरे धीरे। है ना, एक फ्लोर पे पांच दे रखे, फिर पांच ऐसे। भाई यहाँ पे, यहाँ पे ये विशाल को थोड़ी ठंड लग रही थी तो एसी चला दिया। तो यहाँ पे अब देखो भाई, तुम ये देखो, ये वाला एंगल देखो, और ऊपर से बजट बढ़ गया, अभी बजट बढ़ गया क्योंकि ये 14 है भाई, मतलब कितने हरामी हो सकते हैं बंदे, पॉडकास्ट करने आए हैं, उसका फोन ले लिया, ये भी उसका ही लो भाई। भाई 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 कसम से हरामी नेस देख रहे हो भाई, भाई। ये है मेरा फोन जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी, वो भी पड़ा है। हाँ, दिखाओ ना, यही चीज इधर गया भाई, ये पड़ा, ये देख, ये फोन मैंने लिया था आज से 7 साल पहले लिया था ये फोन, और ये वीडियो बनाते हुए टूटा गया था। ये फोन मैंने ना इतने बेचे हैं, इतने बेचे, कोई हद नहीं भाई, सेकंड हैंड खरीद खरीद के बेचे हैं। ये पॉडकास्ट में मिलेगा, ये पॉडकास्ट में। हाँ, और इस फोन से मतलब मैंने इतनी अर्निंग की है ना, कि ऐसे मैं कम से कम ये तो 1000 फोन खरीद लूंगा इस फोन से, जितनी अर्निंग की अर्निंग का रिवील होने वाला। यूट्यूब से नहीं की मैंने, मतलब यूट्यूब पर वीडियो डालता था, वीडियो के थ्रू कंपनी वाले मिले, तो फिर मैं उनके लिए काम करने लगा। वो तो चैनल भी वो था, डीमोनेटाइज चैनल था, तो फिर कंपनी वालों ने फिर मुझे काम दिया ना, उन्होंने मेरी आवाज देखी कि मतलब बंदा बोल लेता है, तो मुझे स्क्रिप्ट देने लगे। यही बता दे तू, सारा पॉडकास्ट का मान है, जान दे तू, ये लेट डाले ना ना भाई, बिल्कुल अभी डालूंगा यार, बिल्कुल टॉक कास्ट से पहले डालूंगा भाई, लेके आएगा वैसे ही शुरू करेंगे। हाँ भाई जरूर, चार फ्लेवर लेके बैठा। भाई बस अभी इस वाले ब्लॉग का ही एंड करते हैं, अब सो मस्त लगा होगा आपको ये वाला ब्लॉग, मेरे को बताना। और अभी मेरे पास 2-3 ब्लॉग पड़े हैं, एक कदम वाला पड़ा है, कदम मूवी वाला, एक मेरे गाने की शूट के कपड़े खरीदने का, तो वो वाला ब्लॉग भी पड़ा है, मेरे को बताना है यार आपको देखने है नहीं देखने ब्लॉग। बाकी मैं अभी iPhone 14 Pro लेके आया हूं, उसका भी ब्लॉग नेक्स्ट आने वाला, उसका वेट करो। और बस यही था भाई इतने वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई होप वीडियो मस्त लगी, लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब करते, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।